हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को स्वागत करता हूँ इस ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। सो आप लोग कैसे हो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को गाइस लाइक सब्सक्राइब करना। और यार अभी का जो गाइस टाइम हो रहा है 10:38 हो रहा है, और आज का इसे 27 सैटरडे। सो टोटल हमें एक हफ्ता हो चुका है हुबली के अंदर, कर्नाटक के अंदर, और अभी हम जा रहे हैं बैक टू गोवा, मतलब अपने प्यारे घर में, मतलब वापस हम जा रहे हैं गोवा। और मैं कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों को, यार बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत ही हम इन्जॉय किया हम लोगों ने इस पूरे हफ्ते ज़्यादातर। और मैं ये चीज़ कहूँगा कि मतलब कर्नाटक जो है बहुत ही अच्छा शहर है, सिटी है, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ घूमे, एक्सप्लोर किया उधर बहुत जगह, और भी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है। तो एक ही चीज़ कहूँगा यार कि अगर आप विज़िट करोगे कर्नाटक कभी भी, तो यार हुबली ज़रूर जाना, इन्जॉय करना उधर जाके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, करने के लिए। ठीक है, इस न्यू ब्लॉग के अंदर अब शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और कंटिन्यू करते हैं। यार वैसे मैंने इंट्रो ही नहीं किया था, तो इंट्रो तो कर लिया मैंने अभी, तो चलो चलते हैं। और अभी हम थोड़ा सा रुके हुए हैं पर, एंड नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों अभी हम यहाँ पर आए हैं कार वॉश करने के लिए, सो अभी हमने मेरी कार वॉश कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पर वॉश करना है, ये वॉशिंग सेंटर यहाँ पर हमें मिला है। अच्छे तो अभी तो जस्ट अभी एक कार धो के तैयार हो गई, अभी हमारी कार धोने वाली गाइस बहुत गंदी चाहिए यार, देखो इतनी गंदी होगी, तो गाइस ऑफ रोड वगैरह करना पड़ता है, तो बताइए हम। तो अभी हम इस लोकेशन पे आए हैं और थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बस आपको ये इलाका दिखा दो, थोड़ा सा आ जाओ, आ जाओ वाइड एंगल दिखा दो कहीं से, देखो वहाँ से बकरियाँ आ रही हैं, देख लूँगे। और ये देखो सारे लोकेशन, ये है पूरा गांव है गाइस, ये पूरा एक तरीके से, और वो वॉशिंग के लिए। मैं किस कहना चाहूँगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस जगह पर, और सेटिस्फाइंग है बहुत। ये देखो इसे लगा है एक गाइस, एक लाइन से जा रहे थे लोग, आ देख सकते हो एकदम। हाँ भाई गाइस, ऐसी लोकेशन में आओ घूमो, पेड़ देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल है, मतलब यहाँ की जो गाइस सीनरी है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मैं चीज़ करना चाहूँगा गाइस, हम लोग अभी हम लोग यहाँ पर बैठने वाले थोड़ी देर, जब तक कार वॉश होती है। गाइस कार अभी पूरी अच्छे से क्लीन होगी, फिर हम आराम से जाने वाले हैं, हम लोग गड़बड़ी नहीं करने वाले जाने के लिए घर पर, क्योंकि अभी तो टाइम ही टाइम है बहुत ज़्यादा। और ये भी गाड़ी है, ये भी ट्रक वॉश होने वाली, और बाकी यहाँ पर और भी ये गाइस बहुत धूल है, मतलब लिटरली बोलो बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पर। और लिटरली मेरा ना कैमरा पकड़ के मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, ये हाथ दुख रहा है बहुत ज़्यादा, कि फोन को कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी हम देखते हैं कार को कैसे वॉश करते हैं, चलो चलते हैं। और गाँव भी बहुत अच्छे मस्त है, चलो आपका यहाँ पर कोई और भी जगह दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो एक ही चीज़ दिखा सकता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे ये है, मतलब ऐसी बैठने के लिए जगह है गाइस। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अंदर जाकर, ये गाइस यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा धूल हो चुकी है, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है धूल, ये देखो माय गॉड इतनी धूल है यहाँ पर, मैं मजाक नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा धूल है कि अभी, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब देख सकते हो यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन है पूरा, इसकी वजह से गाइस बहुत ही ज़्यादा आज बहुत तेज गर्मी भी गाइस 40 डिग्रीज है आज, आप सोच रहे हो 40 डिग्रीज क्या करेंगे हम इस गर्मी का। लिटरली आप इस एरिया को देखो गाइस, ब्रिज बन रही है, आप देख सकते हो, मैं जूम भी कर दूंगा आपके लिए, ले लो ये देखो ब्रिज बन रही है, एक्चुअली वाइड एंगल में, तो उसके लिए ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा मैं, अगर नॉर्मल 1x पे करूँगा तो आपको जूमिंग मिल जाएगा अच्छे से, लेकिन आप ये देख लो यार मस्त पूरी लोकेशन है। अभी हम आराम से जाने वाले हैं, गड़बड़ी नहीं करने वाले हैं बिल्कुल जाने के लिए, और बहुत धूप है, मैं आपके लिए शूट इसलिए कर रहा हूँ इतनी धूप में, देखो इतनी कड़क धूप में आपके लिए शूट कर रहा हूँ मैं। और कुछ गाइस यहाँ पर एक छोटा सा गांव का तरीका ही है, मतलब घर वगैरह छोटे मोटे यहाँ पर, और एक कार वॉशिंग के लिए, और वो रही अपनी कार जो धुल रही है अभी। और बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी हम आगे हमारे स्टॉप्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे वीडियो काटूँगा, तो फिर चलो फिर चलते हैं, और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद।
हम आए हैं यहाँ पर फिश थाली खाने के लिए आए हैं मंदार्स में, ये रहा। और अभी हम यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आए, वैसे भी बहुत कम लोग हैं और बहुत हीट है, बहुत गर्मी है। तो मैं देखता हूँ क्या खाऊँ फिश थाली में, तो आप लोग भी यहाँ पर आना। अभी हम लोग गोवा बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग अब मतलब गोवा में ही एक्चुअली है जगह। तो यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको जब भी मछली खाना खाना हो तो विज़िट करना मंदार्स में, ये बहुत ही मस्त रेस्टोरेंट है। मैं यहाँ पर पहले भी खा चुका हूँ और अभी मैं दूसरी बार खा रहा हूँ यहाँ पर फिश थाली। तो फिर चलते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ बाद में। अभी हम लोग आ चुके हैं जोगस पार्क चिकालिम, हमारे गोवा में ही कहीं से भी। और मैंने कभी व्लॉग नहीं किया है यहाँ का, बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन व्लॉग कभी नहीं किया। एक्चुअली मुझे यहाँ का व्लॉग करना चाहिए वैसे तो, लेकिन ऐसे मतलब ये एक व्लॉग में पूरा कवर हो जाएगा बिकॉज कंटेंट तो मिल रहा है बहुत ज़्यादा। एंड ये देखो गाइस जोगस पार्क, यहीं पर गाइस बहुत सारे चीज़ें, मतलब वर्कआउट करने के लिए सेक्शन है, बॉक्सिंग है यहाँ पर, सब कुछ है। इवन अभी यहाँ से मुझे कुछ थोड़ा सा पूछा था, मैं कैंटीन भी है, एक्चुअली कैंटीन है एक्चुअली, सब बोल रहे थे लेकिन देखते हैं चेक करेंगे। और गाइस किड्स प्ले है, बहुत एक्सप्लोर जगह है, बहुत सारे घूमने के लिए जगह है। एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना यार। तो अभी हम जा रहे हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर गाइस अभी तो कोई दिख रहा नहीं है, ज़्यादा कोई दिख रहा नहीं, बहुत कम लोग यहाँ पर, लेकिन मस्त है। और गाइस यहाँ पर गाइस इसका उद्घाटन करने के लिए प्रमोद सावन आए थे खुद, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो लेट्स गो इनसाइड, चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर। और ये रहा गाइस एंट्रेंस हो गए हमारे अंदर। और अभी गाइस बहुत कम लोग यहाँ पर, बहुत लिटरली ना के बराबर लोग लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इन्जॉय करेंगे इधर। और क्या ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग करने पर। बॉक्सिंग के लिए जगह है यहाँ पर, ये देखो गाइस बॉक्सिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखो गाइस कर रहे हैं बॉक्सिंग। वाह यार, मैं भी जाऊँगा, एक्चुअली फ्री बॉक्सिंग है तो मैं भी जाऊँगा, ट्राई करूँगा गाइस 6 मीटर। तो हम लोग अभी यहाँ से चलने वाले हैं कंटिन्यू आगे तक। अगर इस यहाँ पर गाइस गंदा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत नीट क्लीन है, हर तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं आप देख सकते हो वैसे तो। एंड अभी हम चल रहे हैं, बस पूरा राउंड है गाइस, बहुत बड़ा है तो हम चलते रहेंगे बस। और कहीं जाके जो पेड़ पौधे हैं आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही साफ सुथरा रखा है। एंड मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि भाई बहुत ही क्लीन नीट है, एंड ऐसे ही क्लीन नीट होना चाहिए हमारे इस पूरे गोवा को, पूरे इंडिया को। और बस एक चीज़ से कह सकता हूँ कि मुझे रिवर्स चलना पड़ रहा है बिकॉज आपको दिखा पाऊँगा कि जो ग्रीनरी है पूरी, ये देखो वाओ यार, लिटरली वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अभी हम गाँव से आए हैं थक कर, लेकिन फिर भी हमें गाइस थोड़ा एंजॉय करना था, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना यहाँ पर आए और हम देखें जोगस पार्क को और आपको दिखाऊं मैं, ये मेरा कंटेंट के लिए दिखाया मैंने, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर एक मस्त चीज़ जो है वर्कआउट करने के लिए लोगों के लिए। और गाइस यहाँ पर गाइस बिल्कुल जिम की तरह ही है लेकिन वर्कआउट के लिए अच्छा है लोगों के लिए, आप देख सकते हो कितना मस्त चीज़ है गाइस, बहुत लोग आते हैं वर्कआउट करने के लिए। एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके, ये देखो वर्कआउट के लिए बहुत अच्छी जगह गाइस। और मैं भी एक चीज़ ट्राई करूँगा अभी, पर लास्ट टाइम गाइस मैंने ट्राई किया था एक्चुअली, एक ग्रीन जिम है ओनली फॉर एडल्ट्स,
एंड सीनियर सिटीजन्स ओनली। सो ये एक नोटिस है, काइंड नोटिस है, प्लीज़ बच्चे मत आना यार इधर, सीरियसली बोलूँ, बच्चों के लिए नहीं है, मेडल्स के लिए। तो मे बी आई शुड ट्राई गाइस, मैं देखता हूँ थोड़ा सा जाएंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन देख ऑब्वियसली ट्राई थोड़ा बहुत करना ही है। तो पहले हम चेस्ट प्रेस देखेंगे, या बजाओ बजाओ आपने देखा होगा चेस्ट प्रेस मशीन, तो ट्राई करते हैं। चप्पल रखते हैं पहले, चप्पल का छोड़ के जाना, बाहर छोड़ के जाना चप्पल, बंद चलते कब आपको। देखो अब इसे कैसे करते हैं, मैं आपको बैक कैमरा से पूरा दिखा देता हूं। इजी है ये, देखो इसे बस आपको बैठना है और इसे पुश करना है, इसे पुश करना है एंड देन ये करना है, इट इज दैट्स इट।